तो स्वागत है आप सभी का फैक्स विद अमित पाठक में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गैस सिलेंडर के दाम का इंतजार कर रहे थे तो आज 1 जुलाई है और गैस सिलेंडर के दाम में भारी गिरावट हुई है। तो आपको बता दें, आप यहाँ पे टाइटल भी देख सकते हैं, एलपीजी प्राइस यानी 1 जुलाई का एलपीजी प्राइस है। हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम या तो बढ़ते हैं या घटते हैं। तो एलपीजी सिलेंडर आज हुआ है सस्ता, आज से 198 रुपए कम देने होंगे, यानी इसका दाम 198 रुपए तक कम हुआ है। लेकिन हर राज्य में इसके दाम में अलग अलग गिरावट है, जिसे आपको समझ लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए हैं। आज इंडेन का सिलेंडर दिल्ली में 198 रुपए सस्ता हो गया है। वहीं पर एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोलकाता की बात करें तो 182 रुपए रेट में कमी हुई है और मुंबई में 190 रुपए 50 पैसे तक, और जबकि चेन्नई में 187 रुपए की कमी की गई है। पेट्रोलियम इंडियन कंपनी ऑयल ने कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट में यह कटौती की है, यानी जो 19 किलो वाला गैस सिलेंडर आता है जो कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए यूज होता है, उसके ही दाम में गिरावट हुई है। जबकि आपको बता दें, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को भी राहत मिली है, क्योंकि उनको 14.2 केजी गैस सिलेंडर के लिए ना तो उनको दाम में बढ़ोतरी मिली है और ना कोई दाम घटा है। यानी जो आपको 19 मई को रेट मिल रहा था, वही रेट पर आपको गैस सिलेंडर मिलेगा। आपको बता दें, अगर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम की बात करें तो आपको वही दाम पर मिलेगा गैस सिलेंडर, यानी 14.2 केजी वाला गैस सिलेंडर। और लेकिन 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर भारी छूट है, 198 रुपए सस्ता हुआ है। कोलकाता में 182, मुंबई में 190 रुपए तक और चेन्नई में 187 रुपए। तो आप 14.2 केजी वाले जो सिलेंडर है उसका रेट भी देख सकते हैं। दिल्ली में 1003 रुपए, मुंबई में भी 1003 रुपए का मिलेगा, कोलकाता में 1029 रुपए का, चेन्नई में 1019 रुपए का, लखनऊ में 1041 का। ऐसे ही आप यहाँ पे अपने पूरे जिले का नाम देख सकते हैं। तो एक साल में लगभग 168 रुपए महंगा हुआ घरेलू एलपीजी सिलेंडर। वहीं पर 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 200 रुपए तक सस्ता हुआ।